पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने भारत में पानीपत कोर्ट में याचिका लगवाई है। उसके वकील द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सीमा हैदर को पेश होने का निर्देश दिया है। पहले सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से आई। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी का दावा किया, उसके परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर सीमा को चैन से नहीं बैठने दे रहा। वो भारत में अपने वकील के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सीमा हैदर की अब एक और नई मुश्किल बढ़ने जा रही है। गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा के बाद अब उसके खिलाफ पानीपत में केस किया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने पानीपत कोर्ट में याचिका लगाई। मोमिन ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। मोमिन का कहना है कि कोई भी विदेशी शख्स भारत सरकार की इजाजत के बिना फिल्म या रील नहीं बना सकता, लेकिन सीमा हैदर सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव है और वो लगातार रील बना रही है। सीमा उनके, गुलाम हैदर और भारत के लोगों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। कोर्ट ने मोमिन मलिक की याचिका को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सीमा हैदर को 2 जुलाई के दिन कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया। मोमिन के मुताबिक सीमा हैदर रबुपुरा थाना प्रभारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया गया है। मोमिन मलिक ने सीमा, सचिन मीणा और वकील एपी सिंह पर मानहानि का नोटिस भी भेजा है। पहले सचिन और सीमा पर 6 करोड़ तो एपी सिंह पर 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। अब ये राशि भी बढ़ गई है। मोमिन का कहना है कि सीमा ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी बताया गया, हवाला का पैसा आने की भी बात कही। उन्होंने सीमा के YouTube चैनल को बंद करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। मोमिन का आरोप है कि विदेशी कानून के तहत सीमा हैदर की तरफ से नियमों को ताक पर रखा गया है। सीमा हैदर को भारत आए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रहती है। सोशल मीडिया में भारत से लेकर पाकिस्तान तक उसकी चर्चा होती है। सीमा अक्सर ट्रोल करने वालों के टारगेट पर भी रहती है। इसको लेकर भी सीमा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान में उसका पहला पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा, वो उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है। गुलाम का कहना है कि शादीशुदा होते हुए सीमा की दूसरी शादी जायज नहीं है। इस मामले में 10 जून को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में उसकी पेशी भी है, जहां उसे तमाम सबूत पेश करने को कहा गया है, जिससे सीमा मुश्किल में घिरी हुई है। अब गुलाम के वकील ने पानीपत में भी उसके खिलाफ केस कर दिया है, जिससे सीमा हैदर के सामने चुनौती काफी बड़ी होती जा रही है। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना ही दुश्वारियों भरा रहा है, जिससे उस पर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।